लोग एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गैस बिहार ओपन बोर्ड बीबोस की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जो है फिर से आ चुका है। गैस नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहूँगा। जो भी दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियोस में देने वाला हूँ। चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएँ हैं तो मैं अपने चैनल पर जो है उस समस्याओं का सोल्यूशन करके वीडियो में आपको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देने वाला हूँ, जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं और अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम होना है, 31 तारीख से 2 तारीख तक जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं और 4 अगस्त से 12 अगस्त तक जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम काफ़ी जल्द है, नज़दीक है, सर पे है हमारे स्टूडेंट सबका। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। गैज मैं एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ विशेष चीज़ का जो है आपको ध्यान देना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है। नहीं तो हो सकता है कि जैसे जून जुलाई सेशन 2022 के बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ, रिज़ल्ट फंस गया, जीरो मार्किंग की प्रॉब्लम होगी, पेंडिंग होगी। और ये अगर आपको हो जाता है कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको बार बार पटना आना पड़ेगा, बहुत सारे इस पर पैसा तो खर्च होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बात आप ध्यान से सुन लें और उन बातों पे आप ज़रूर गौर करें एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए गाइस मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो भी एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं, परीक्षार्थी हैं, चाहे वो 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, तो गौर से सुन लें मेरी बातों को। तो गैस मैं बता देने वाला हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले जो है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी करवा के रख ले। ठीक है, एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी करवा के रख ले। और बैग में जो है पेन पेंसिल वगैरह, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अच्छी अच्छी जानकारी है, जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि एग्ज़ाम छूट जाता है, तो भाई टाइम पे एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अगर 9 बजे है तो आप जल्दी सोएं। ठीक है, 10 बजे तक सो जाएं, ये नहीं कि 12 बजे सोओगे तो नींद टूटेगा तुम्हारा। फिर इस कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप गौर नहीं करते तो बाद में आप पछताते हैं, खुद ही छूट जाते हैं। ठीक है ना, हवा में मत लीजिए इसको, सीरियस होकर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा गाइस देखो यार, क्या है ना कि एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करें। जैसे कि आप जूता पहन के ना जाएं, चप्पल पहन के जाएं। ठीक है, फिर ट्राउज़र वगैरह का यूज़ करें, टी शर्ट वगैरह का यूज़ करें, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा वो जींस वगैरह, वैसे आप पहन कुछ भी सकते हैं लेकिन आप जितना भी सिंपल ड्रेस में रहेंगे उतना आप पे शक कम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद गैस आप जो है पेन पेंसिल अपना जो है ज्योमेट्री बॉक्स शॉर्पनर वगैरह जितना भी है, और एडमिट कार्ड, फिर एक आपको जो है आपको क्या फ़ोटो अपना ले लीजिए। ठीक है, एक आईडी ले लीजिए, पहचान पत्र ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में ले जाने पड़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। चलिए गैस अब मैं बता देने वाला हूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में जो है सावधानी बरतनी, जिससे कि आपका रिज़ल्ट नहीं फंसे, आपका रिज़ल्ट आसानी से आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने पर। तो गैस मैं बता, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप माइंड को कूल रखें और वहाँ पर जाकर के आप जब भी जाएं तो पानी का बोतल वगैरह जो भी है, पानी वगैरह, फिर बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह करके फ्रेश रहें, जिससे कि आप एग्ज़ाम पे पूरा कंसंट्रेट रहे। ओके, ये सारी। और खाना वाना जो है भाई हल्का फुल्का खा के जाओ, ये नहीं कि भर लिया फिर वहाँ पर लग जाए हमको वो, फिर लग जाए 10-20 मिनट फिर उसमें चला जाए। ठीक है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये तुम्हारा जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छे अच्छे खाने, हल्के फुल्के फ्रूट्स वगैरह खा के जाओ। ठीक है, रोटी यानी कि दस रोटी खा ली, ऐसा नहीं एक दो रोटी हल्का फुल्का भोजन करके जब एग्ज़ाम दे के आओ तो बढ़िया से उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है हमको, उसके चलते आप नर्वस होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप भारी भोजन करके जाएंगे तो। सिंपल सब ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता करके जाएँ। ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है ना, तेल और इससे मिर्च वाले भोजन से बचे, नहीं तो आपको लैटरिंग लग सकती है तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए गाइस अभी मैं
बताने वाला हूँ। देखो एग्ज़ाम में है, जब जब सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को पढ़ें उसको, ठीक है सर? क्वेश्चन नहीं मिलता, सबसे पहले आपको एक आंसर बुकलेट मिलता है, तो सबसे पहले क्या करें, जब आंसर बुकलेट मिलेगा ना, ध्यान से सुने मेरी बातें, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बड़ी बड़ी जानकारी है ये, ठीक है ना? हमारे चैनल पर कोई भी ऐसी आलतू फालतू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो आपको जो है गाइस क्या करना है, देखो मैं बता देने वाला हूँ। हाँ, जब आंसर बुकलेट मिलता है तो उस पर भाई मेरे जो रोल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको फिल करने के लिए मिलता है, ठीक है, जो भी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, कुछ भी आपको मिल रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, जो भरने होते हैं उसको आप सावधानी से भरें, ठीक है ना? वह ये हड़बड़ में उसी को गलत कर लेते हो, फिर वाइटनर खोजते रहते हो, काटते खोटते रहते हो, उसी से तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, बाद में वही तुम दौड़ते रहते हो, तुम्हारा रिजल्ट फिर अगले साल एग्ज़ाम दो, दौड़ते रहो। तो इनसे बचने के लिए भाई 10-15 मिनट तुम पहले इस पे फोकस करो, धीरे 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 सारी दुनिया भूल जाओ, सारा काम कुछ भूल जाओ, सारा प्रेशर भूल जाओ, बस सोचो कि एग्ज़ाम देने के लिए आए, एग्ज़ाम के बाद कुछ सोचेंगे हम, ठीक है ना? तो कूल माइंड में जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आंसर बुकलेट पर बढ़िया बढ़िया शब्दों में काट खोट नहीं, आराम से लिखें, बढ़िया अक्षरों में लिखने की कोशिश करें जिससे कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे और कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर चेक करने में, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आंसर बुकलेट में कैसे नहीं लिखना है, नहीं लिखना ये तो मैंने बता ही रखा है, ये सारी चीज़ें आपको। और पेन पेंसिल का जहाँ पे यूज़ करना है डायग्राम, ये सब पेंसिल का यूज़ करें, फिर अच्छा सा पेन लेके जाइए, नहीं कि आलतू फालतू का लिखो फिको लेकर के चले गए और एग्ज़ाम में किसी तरह लिखने में प्रॉब्लम, अच्छा सा बॉल पेन लेके जाए, आराम से ब्लैक ब्लू बॉल पेन लेकर जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, किसी ये नहीं कि एग्ज़ाम में जाओ सब भूल जाओ, दूसरे से मांग रहे कि भाई पेन दो हम भूल गए, कैसे यार स्टूडेंट हो तुम लोग, सारा ये पेन पेंसिल लेकर भूल गए तो तुम क्या पढ़ोगे लिखोगे आगे? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद गैज और जो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि आपको जो भी क्या मिलता है, हाँ, अटेंडेंट सीट मिलती है, अटेंडेंट सीट जो आपको मिलती है उस पे आप अपना जो है भाई जो भी अटेंडेंट्स बनाने रहते हैं, अपना जो भी रोल नंबर, रोल कोड, नाम वगैरह जो भरने होते हैं उसको अटेंडेंट सीट को फिल करें बढ़िया से, ठीक है ना? छोड़ मत दे, छोड़ देंगे ना तो आपको वैसे ही रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा, वैसे ही आपका एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप जो भी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है ना? चोरी वगैरह से बचो इस बार आप, ठीक है ना? देखो हल्का फुल्का चीटिंग वगैरह तो चलता है, बचा के लिखो, मैंने ये नहीं कहा था कि ना लिखो, थोड़ा बहुत हमेशा चलता रहता है, बचा के लिखो, यानी कि बुक लेकर सामने में टीचर एग्जामिनर खड़ा उसके सामने में बुक खोल रहे हो और लिख रहे हो तब तो तुमको स्पेल ही कर देगा, ये छुपा छुपा के थोड़े बहुत चिट्टा वगैरह जो मेन क्वेश्चन पेपर है जो रिपीट किए जा रहे हैं उसका जो लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो उसका जो है बना के ले जाओ, ठीक है ना? बोर्ड एग्ज़ाम में ले जाओ, थोड़े बहुत ले जाओ, मैं ये भी बोलूँगा, ठीक है? खुद अपने मन से भी लिखो, थोड़ा चीटिंग करके भी लिखो तो ये होएगा, ठीक है ना? तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने शब्दों में आंसर दो, खुद पे डिपेंडेंट रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, जितना खुद से लिखोगे उतना बेटर मार्क्स आपका आएगा एग्ज़ाम में ही। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है, आप ज़रूर फॉलो करें। और एडमिट कार्ड पर जो भी आपको जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो ज़रूर उसको पढ़ लें, ठीक है? और टाइम पर जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए, लेट ना करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें जिससे कि कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए गाइस, और क्वेश्चन पेपर देखो, अभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मैं डालने वाला हूँ, जो 10th क्लास का ना मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आपके आने वाले प्रैक्टिकल का मैंने डाल दिया है, तो कल से शायद वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो और पढ़ते रहो, जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मेंबरशिप ज्वाइन, क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए और भी तो 159 का ज्वाइन कर लो, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर मैं दे रहा हूँ। तो 159 का मेंबरशिप अभी भी ज्वाइन कर लो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना? एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर वो आपके वही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हम लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर रहता है। तो चलिए गाइस, बीबॉस के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ओके? तो आप ध्यान जरूर रखें, 159 का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, ज़्यादा चार्ज नहीं है। चलिए गाइस, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ, ओके? थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस देख सकते हैं, आज जो हमारा 30 जुलाई 2023 है, आज ये हमारा नोटिफिकेशन देख लो क्या आया हुआ है। यह आया हुआ है, बिहार बोर्ड ने बीबोस की 10वीं परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए कंट्रोल रूम बनाया, यह रविवार से शुरू होगा, ठीक है? रविवार से शुरू होगा, भाई रविवार तो आज ही है, आज ही से शुरू हो रहा है। परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर ही है 0612223227, ठीक है? पर संपर्क कर सकते हैं 31 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रायोगिक एवं 4 से 12 अगस्त तक सैद्धांतिक मतलब थ्योरी के एग्ज़ाम आयोजित होंगे, आपके
सेंटर पे, ठीक है। सैद्धांतिक परीक्षा सूबह के जिला मुख्यालय में होगा, सैद्धांतिक परीक्षा जो है सूबह के जिला मुख्यालय में होगा। जिला मुख्यालय जो स्टडी सेंटर है, जहाँ पे भी आपको है ये अपने स्कूल कॉलेज में जा करके कॉन्टैक्ट करें। आपका जो है प्रैक्टिकल देना जरूरी है, जाकर प्रैक्टिकल दो, प्रैक्टिकल कॉपी भी एक लेके जाना, ठीक है। आपके जो भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं उनके आपके एग्ज़ाम होंगे, टाइम पे जाएं, ठीक है। 31 से 2 तारीख तक जो टाइमिंग दिया गया एडमिट कार्ड पे, उस पे जाएं आप एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और उम्मीद करते हैं आज की वीडियोस पसंद आई होगी और सारी जानकारी पसंद आई होगी। इस टाइप वीडियोज़ के अलावा हमारे चैनल के साथ बने रहे। कोई भी डाउट और समस्या है, हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है क्वेश्चन पेपर के लिए, आप हमको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है एग्जाम से रिलेटेड, हम लोग आपको सॉल्व करने की, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए गाइज, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।